नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम के द्वारा 2016 के अंदर पूछे गए 40 जो एनटीपीसी के रेलवे के अंदर एनटीपीसी परीक्षा के अंदर पूछे गए 40 प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आपको दी जा रही है। बिल्कुल फ्री पीडीएफ फाइल दी जा रही है, कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। इस पीडीएफ फाइल के नीचे दोस्तों, ये जो पीडीएफ फाइल है इसके जस्ट नीचे ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो रोजाना पीडीएफ है फाइल है यहाँ अपने को देखने को मिलेगी। तो जल्दी जाइए और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से देखेंगे। और 40 में से आपके कितने राइट है, जो 40 में से आपके कितने राइट है वो भी हमें कमेंट्स रूप में बताएंगे। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों में से सही क्रम कौन सा है, क्रम के अनुसार पूछा गया। सबसे पहले वेद ग्रंथ, उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद में अणियक या उपनिषद। ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बसुबंद, क्या है बसुबंद आपका राइट आंसर, क्या है बसुबंद आपका राइट आंसर है। बौद्धिक की नैतिक और धार्मिक साधना का प्रमुख अंग माना जाता है, प्रमुख अंग कौन सा माना जाता है, प्रमुख अंग जो माना जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो तीन नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर जीव मात्र का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण वो आपका राइट आंसर है। मौर्य का पतन के बाद में दक्षिणी एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ, मौर्य के बाद। देखिए पूछा क्या है, मौर्य के पूछा गया, मौर्य के काल के अंदर पूछा गया है। तो इस जो चार नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है कुषाण, कौन सा है कुषाण आपका राइट आंसर, कुषाण, कुषाण राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, खाना बनाते समय जब खाना बनाते क्या बनाते खाना बनाते खाना बनाते समय कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, खाना बनाते समय कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। पांच नंबर प्रश्न, और इस पांच नंबर प्रश्न का राइट आंसर है मैथेन गैस। देखिए गैस खाना, पांच नंबर प्रश्न। अगला देखिए, टेको देखिए टेफोल निम्न में से एक एकल बहुलक है, सिक्स नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सात नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सात नंबर क्वेश्चन में से युग्म बताना है आपको, क्या बताना है युग्म क्या है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, एक जो इनमें से कौन सा सही नहीं है। सात नंबर प्रश्न में आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है एमीटर विद्युत शक्ति माप यंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। आठ नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है विद्युत मोटर, क्या है विद्युत मोटर आपका बिल्कुल राइट आंसर। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। नौ नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर 7.4%। हाल ही में अमेरिका ने किस देश में $10 करोड़ का सैन्य सहायता देने की घोषणा की है, सैन्य सहायता दी जाएगी, लेबनान। निम्न में से किस गुप्त सम्राट को पराक्रम की उपाधि धारणा दी गई। 11 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त, किसके द्वारा समुद्रगुप्त के द्वारा दी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर है। चोल शासकों की सर्वाधिक विदेश व्यापार
किसके साथ होता था, चोल के बारे में पूछा गया। और इस दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 12, राइट आंसर चीन के साथ, किसके साथ, चीन के साथ होता था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण करते समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, इसका जो राइट आंसर इज 13 नंबर प्रश्न। और 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन तुगलक। कौन थे? नासिरुद्दीन तुगलक थे आपका राइट आंसर थे। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है? हीरा, पानी, निर्वात या फिर हाइड्रोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर इज निर्वात, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, 15 नंबर प्रश्न। और इसका राइट आंसर सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन के अंदर होती है। क्या है? सोयाबीन आपका राइट आंसर है। ऑक्टेन संख्या गुणोक्ता नापी जाती है, ऑक्टेन संख्या में किसकी गुणोक्ता नापी जाती है? 16 नंबर प्रश्न। इसका राइट आंसर इज पेंटोल की, किसकी? पेंटोल की मापी जाती है, किसकी? पेंटोल की मापी जाती है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत कौन सा है? इसमें सवाल ये पूछा गया है कि परमाणु का तो आपका यूरेनियम हो गया, तो हाइड्रोजन बम का क्या होगा? ड्यूट्रोनिक्स, ट्रोनियम्स, नाभिकीय सल्यन, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थायमिन किसका नाम है, थायमिन किसका नाम है? तो थायमिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है विटामिन बी का नाम थायमिन, विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन है। संतलज काल में मंत्रिमंडल के प्रधान को क्या कहते थे? मंत्रिमंडल का प्रधान होता था उसे हम क्या कहते थे? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का 19 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर इज वजीर ए मालिक कहा जाता था, फिरोज तुगलक के शासनकाल में कर नहीं था, कौन सा कर नहीं था? इसका राइट आंसर इज खिरात, खिरात कर नहीं था, खिरात कर नहीं था। वायसराय लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? 21 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह जवारी बंदरगाह है? जमारी बंदरगाह, कोलकाता, पारादीप, चित्तूकोरी, कांडला। तो इसका राइट आंसर कांडला, कौन सा है? कांडला आपका बिल्कुल राइट आंसर, कांडला आपका बिल्कुल राइट आंसर, क्या है? कांडला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किस तत्व एक्स किसी परमाणु की संख्या 5 तथा परमाणु द्रव्यमान 31 हो तो उसके तत्व के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 23 नंबर प्रश्न, और 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 26, क्या होते हैं? 26 होते हैं। अगला देखिए, यदि लकड़ी की, देखिए यदि लकड़ी की बनी वस्तु रेडियो सक्रियता जीवित लकड़ी की तुलना में आधी है तो उस लकड़ी की आय क्या मानी जाती है? बताइए जल्दी से। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 5800, इसकी जो जीवन काल है उनके बारे में पूछा गया है। कोशिका के जैव क्रिया का नियंत्रण करता है, कोशिका की जैव क्रिया का नियंत्रण करता है तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर केंद्र, क्या है? केंद्र का आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, एक्सट्रोजन सर्वा, एक्सट्रोजन
स्रवा होता है, अंडाशय, वृषण, अधिवर्षण या पीयूष ग्रंथि। 26 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर अंडाशय। नेक्स्ट, भारत में डोडा जनजाति, भारत में टोडा जनजाति निम्न में से कहाँ निवास करती? टोडा, नीलगिरी की पहाड़िया, महाबलेश्वर की पहाड़िया, राजमहल की पहाड़िया, अमरकंठक की पहाड़िया। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज नीलगिरी की पहाड़िया, जो तमिलनाडु के अंदर का है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना में लाभ कौन कौन उठाते हैं? 28 नंबर, सबसे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यस, अगला देखिए जल्दी से। कन्याकुमारी में विशाखापट्टनम का मैदान कहलाता है? कन्याकुमारी में विशाखापट्टनम होता है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम है, कन्याकुमारी तक इस मैदान को कहते क्या है? मालाबार तटीय, कोकण तटीय, कोरामंडल तटीय, गोलकुंडा तटीय। 29 आंसर कोरामंडल तटीय कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी कहलाता है। सातवीं सूची के बारे में पूछा गया, सातवीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का संबंध संविधान के किस भाग और अध्याय से माना जाता है? सूचियों के बारे में पूछा गया। 30 नंबर प्रश्न, और इस 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परिस्थिति में एक नारी वर्णात होती है, बताएं जल्दी से किस परिस्थिति में? 31 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है 31 नंबर प्रश्न, यदि उसका पिता वर्णाद और माता वाहक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन का प्रयोग किस फसल में होता है? 32 नंबर प्रश्न, और इस 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है धान। किसके लिए प्रयोग होता है? धान की खेती के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण कौन सा? 33 नंबर प्रश्न, और इस 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत बड़ा क्वेश्चन से इस प्रश्न को रट लेना है दोस्तों, मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको दे रहा हूं, क्योंकि रेलवे का एग्जाम्स नज़दीक आ चुका है। पीडीएफ फाइल जितनी आप रिवीज करेंगे उतना सबसे बेस्ट रहने वाला है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है, 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 34 नंबर प्रश्न यही कह रहा है। तो इसमें होता है भार घटता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तन होती है। उसके बाद देखिए 35 नंबर, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है? 35 नंबर प्रश्न, और इसका जो राइट आंसर इज है बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता रहता है। क्या जाता है? बढ़ता जाता रहता है। भारत का निरंतर एवं महालेखा परीक्षक, भारत का निरंत्रण एवं यानी सी ए जी जिसे हम कैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? कैग, क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। इसका कार्य पूछा गया कि इसका कार्य क्या क्या है? इस 236 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है दोस्तों, सबसे पहले वो संघ की वित्तीय प्रणाली को निरंतरण रखता है और राज्य की प्रणाली पर निरंतर रखता है। तो ए और बी दोनों आपका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन में बैठक के प्रारंभ का काल प्रश्नकाल कहलाता है, इसकी समय अवधि क्या है? 37 नंबर प्रश्न है, इस 37 नंबर प्रश्न की समय अवधि क्या है? राइट आंसर 60 मिनट, यानी एक घंटा इसे, या 60 मिनट हम कह सकते हैं, एक घंटा या 60 मिनट कह सकते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, निम्न में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है? केवल लोकसभा में पूछा गया है,
पेश होता है। 38 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर होता है धन विधेयक होता है, विनियम विधेयक या बिल विधेयक, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हाल ही में किस शहर में स्वच्छता क्षेत्र में एक निजी कंपनी माया लैब को कोरोना कोविड 19 परीक्षण के लिए टेस्टिंग के लिए किट की मंजूरी दी है, इसका राइट आंसर इज पुणे, क्या है पुणे। और आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, जो दोस्तों देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये भी ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा पूछे तो राजस्थान है, तो राजस्थान हमेशा 30 मार्च को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे। रोजाना हम जो रेलवे NTPC के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट डालने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद।